अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? सब ठीक हैं? तो आज आपको दिखाएंगे चूज़ों के पर काटने का तरीका। ये आप देख रहे हैं ऊपर, ये सारे चूज़ों के पर हैं। तो मुकम्मल मालूमात के लिए ये वीडियो लास्ट तक देखें, कि जैसा कि ये आप देख रहे हैं, हम जो है ओपन फार्मिंग करते हैं, हमारे पास ये सारे देसी चूज़े हैं। तो ये जो चूज़े छोटे होते हैं, इनके पास जो है वो बड़े हो जाते हैं, जिससे चूज़ों की नशोनुमा जो है वो इतनी अच्छी नहीं होती, इतना हाथर हवा इजाफा नहीं होता। तो उसका सबसे बेहतरीन हल ये है कि आप उसके पर काट दें, उनके पर जितने भी पंख हैं निशानत से बाहर नज़र आते हैं वो काट दें। तो इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे उनके काटने का तरीका, कैसे काटते हैं और कितनी उम्र तक इनके पर जो हैं वो काटे जा सकते हैं। ये चीका आप देख सकते हैं, ये तकरीबन अभी 25 दिन का है। तो ये इसके आप पंख देख सकते हैं किस तरह बढ़ गए हैं, इनको आगे से जो है ये ज़्यादा बड़े पंख इनको काटा जा सकता है आसानी से। जैसा कि आप देख रहे हैं ये पंख इसके जो हैं ये काफ़ी बड़े हैं, तो इनको आपने इस तरीके से काटना है। ये देखिए, और ये आप तकरीबन चूज़ों के जो है ना ये 2.5 से 3 माह तक आप काट सकते हैं, इसके बाद नहीं काटने, क्योंकि इसके बाद जो है ना वो पंख नहीं निकलेंगे। 2.5-3 माह तक जो है ना इनके ये पंख निकल आएंगे। ये आप देख सकते हैं, ये जितने भी बड़े पंख हैं ये सारे जो है ना इस तरीके से आप काट सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो चूज़े मैंने पकड़ा हुआ है इसके भी पंख जो है ना ये जिसामत से काफ़ी बड़े हैं, तो ये जो है ना काफ़ी बुरे लगते हैं। इनको आप जो है ना ये 1 माह के बाद आप इस तरह ये देखें इस तरीके से, ये जो बड़े पंख हैं ना इनके, ये आसानी के साथ काट दें। तो इनके 8-10 दिन बाद आप खुद ही देखेंगे कि चूज़ों की जो है ना नशरमा में काफ़ी आपको बेहतरी नज़र आएगी। Thank you.
ये आप देख सकते हैं कि इसके पंख काफ़ी बड़े हैं, ये जिसामत से भी बड़े हैं, तो ये बहुत बुरे लगते हैं। इस तरह आप ये आसानी से काट सकते हैं, इनको काटने से इनकी ग्रोथ में भी आप देखेंगे कि हवा इजाफा होगा जो आपको कुछ ही दिनों में नज़र आएगा। तो इस तरह से आप पकड़ें और ऐसे आसानी से ये आप काटें, ये जिस तरह ये हमारे उस्ताद साहब काट रहे हैं। तो अभी आप देखें ये इसके पंख काटती हैं, ये इस तरीके से आपने पंख काटने हैं, ये बार जो है ना इस तरीके से आपने काटने हैं। ये देखें ये पहले ही गंजा है, ऊपर से इसके पर भी काट दिए हैं। तो ये बहुत ही नेचुरल तरीका है, इससे इनकी ग्रोथ जो है ना वो काफ़ी बेहतर हो जाती है। तो ये आपको जो है ना लाजमी करना चाहिए, अगर आपको लगता है कि आपके ये जो चिक्स हैं उनकी ग्रोथ बेहतर है तो फिर बेशक आप ना काटें। अगर आपको नज़र आता है ये देखें इसके पर आप काफ़ी बड़े हैं, जिसामत से ही बड़े हैं ये जो है ना पंख इसके, तो इनको आप इस तरीके से जो है ना ये देखें ये ऐसे ऐसे काटें। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी, मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसमें हम आपको और भी चूज़ों की बीमारियों और उनकी सेहत याबी के मतलब जो है ना वो इन्फॉर्मेशन बताते रहेंगे।